तो हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में, हेप्टा गेमर यूट्यूब चैनल में। चैनल के मैं हूँ आपका होस्ट रेबल कॉम्बैक्ट, और लेके आ गया हूँ एक और सोलो गेम प्ले। तो गाइस, मैं सोलो खेल रहा हूँ, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा नेट नहीं चल रहा है, और मैंने अपनी लोकेलिटी में पूछ भी लिया है, मतलब मेरे जितने फ्रेंड्स हैं ना उनसे मैंने पूछ लिया है कि भाई क्या तुम्हारा भी नहीं चल रहा। तो उन लोगों का भी वही आंसर आया है कि 300 के या 200 के नीचे पिंग नहीं जा रहा है। तो यार, बस लगता है कि सर्वर में प्रॉब्लम है फ्री फायर के, या फिर हम हमारे यहाँ पे ही नेटवर्क ख़राब है, कुछ भी हो सकता है यार, क्या ही कर सकते हैं हम। तो गाइज, यहाँ पे हमको N94 मिल गया है, और हाँ अभी आने वाले हैं कई सारी इवेंट्स जिसमें कि आपको फ्री में मैजिक क्यूब देखने को मिल रहा होगा, और हमने एक वीडियो भी बना के रखा है जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैजिक क्यूब कैसे क्लेम करना है आपको। और एक और बात भाई, मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट जो कि मेरे पास परमानेंट है, अर्थ M4A1 या फिर M4A1 स्क्राउचिंग सेंस, आप लोगों को फ्री में देखने को मिलेगा गाइस इस इवेंट के दौरान। बस आपको करना कुछ नहीं है, डेली लॉगिन करना है, एक रैंक है क्लासिक मैच में भूया, और दो क्लास क्वाड मैचेस खेलना है, बस इतना। डेली बेसिस पे अगर आप ये कर दोगे ना, तो आपको वो परमानेंट मिलना ही मिलना है, और 3 इमोट में से एक इमोट आपको फ्री में मिलेगा ही मिलेगा। और गाइस, बस यही कहना चाहूँगा, वीडियो में आगे बने रही है, आगे भी कई सारी बातें हैं जिनके मतलब जो हम करेंगे एक साथ मिलके। तो गाइज, यहाँ पे मैं ऊपर गया था क्योंकि मुझे वहाँ से AWM वगैरह का साउंड आ रहा था, तो मैं ऊपर गया वहाँ पे, और यहाँ पे पता है एक बंदा था उस मल्टी विंडो में, एक बंदा था भाई, कितना ही चुपके बैठा था यार, क्या ही चुपके बैठा था भाई। यहाँ पे डबल डोर में मेरे को एक बंदा दिखा, और उसको मैंने ख़त्म किया। आगे देखो, ज़रा रुको, ज़रा ज़रा रुको, सब्र करो। देखो वहाँ पे मेरे को बंदा दिखा, वहाँ पे खिड़की में, देखो खिड़की में झाँक रहा था, वहाँ पे खिड़की में झाँक रहा था, और अंदर घुस गया तुरंत ही। और यहाँ पे मैं गया ऊपर, यहाँ से फिर अंदर, और ये बंदा यहाँ पे भाग के आ गया भाई, क्या ही करूँ, भाग गया वहाँ पे, ख़त्म गया। और ये बंदा ख़त्म भाई, बिना स्किन के M10 भी कतई तगड़ी चलती है। अब आप लोग कहोगे कि भाई तूने एक्सपेंशन नहीं डाउनलोड किया होगा, तो यार मैं आपको झूठ क्यों बोलूँगा, मैं क्या पागल हूँ भाई, मैं सच में मैंने मतलब वो नहीं किया है, गन स्किन कुछ भी मैंने इक्विप करके नहीं रखा यार। और मुझे भाई, मैं कतई मतलब OP खेलना चाहता हूँ यार, इसी वजह से मैं गन स्किन्स इक्विप नहीं करता हूँ आजकल। मैं आपको कलेक्शन भी दिखा दूंगा अगर आप बताओगे तो, इस गेम के साथ ही मैं अटैच कर दूंगा अपना कलेक्शन। तो गाइस, यहाँ पे मुझे पता था कि भाई मल्टी विंडो में बंदा है, तो मैं उस बंदे को ढूंढने जा रहा था, तो मुझे यहाँ पे कोई फाइट नहीं दिखी, पर यार बंदा अंदर ही था मल्टी विंडो के अंदर, भाई क्या ही चुपके बैठा था यार। मैं यहाँ से देख रहा था, फिर मैं ऊपर गया, थोड़ा लूट किया, और गाइज यहाँ पे भी वही दिक्कत है मेरे को, यहाँ पे पिंग का इशू चल रहा है यहाँ पे, जबकि मैं डाटा कनेक्शन से खेल रहा हूँ। एक किल गया है, एक ही बंदा मेरे को स्पेक्टेट किए जा रहा है, और यार कोई लाइक भी नहीं दिया यार मेरे को किसी ने भी इस मैच में, दो मैंने ज़्यादा किल कर लिए थे तब भी मेरे को किसी ने लाइक नहीं दिया यार। देखो यहाँ पे मतलब इसने कितनी लाशें बिछा दी भाई, मुझे लगा कि कोई तगड़ी MP40 वगैरह पकड़ के बैठा होगा ये बंदा। और देखो वहाँ पे दिखा दिखा आपको, वहाँ पे बैठा था, लैंडमाइन लगाया कि नहीं चेक करने गया था, और भाई लैंडमाइन ही लगा के बैठा था बंदा। गाइस यहाँ पे देखो, दिखेगा अभी तुमको बंदा, देख रहे हो वहाँ पे लाल लाल, मैं वहाँ पे गया कि भाई मेरे पास नेड है, सोच के मैं वहाँ पे गया, जबकि मेरे को दिखा कि भाई लैंड माइन है। तो
तो मैंने वहाँ पे लैंडमाइन लगा दिया ताकि वो बंदा अगर नीचे कूदेगा तो वो मर जाएगा। लैंडमाइन से मैं अंदर से गया भाई नीचे और वो बंदा मेरे को नहीं दिखा वहाँ पे, और बंदा अभी भी बैठा है वहीं पे। एम थोड़ा थोड़ा जा रहा था पर यार एम लॉक नहीं हो रहा था परमानेंटली, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा प्रिसाइज ट्राई करने का कोशिश किया, थोड़ा सा लॉक हुआ लेकिन यार वो भी नहीं, वो भी गया ख़त्म। और यहाँ पे क्या ही बोलूँ यार, मेरे साथ क्या ही स्कैम हुआ था यहाँ पे, मतलब बहुत देर तक यहीं पे बैठा रहा मैं। और मैं सोच रहा हूँ नहीं यार आप देख लो ना क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत देर तक यहाँ पे बैठा रहा और यार वो बंदा निकला ही नहीं यहाँ से। मैं बस थोड़ा सा कट करता हूँ यहाँ से, तो गाइस ये मैं वहीं पे घूम रहा था और भाई स्कैनर आ गया था और देखो भाई कितने बंदे हैं यहाँ पे। वो यहाँ पे घर में दो बंदे आ गए हैं, वहाँ पे दो बंद एक बंदा और वहाँ पे पीछे भी एक बंदा। भाई क्या ही, मतलब मैं देख के शॉक हो गया कि भाई पीछे वाला ना मार दे मेरे को। तो इसलिए मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठा और उनकी फाइट कंप्लीट होने दी और उस बंदे ने उस मतलब जो बंदा ऊपर चढ़ रहा था ना उसको मार दिया। और यहाँ पे होता है मेरे साथ फिर से स्कैम, स्कैम तो नहीं हाँ पर यहाँ पे किल होते हैं मेरे कुछ से। देखो वहाँ पे किसी ने फायर किया, मैं वहाँ पे स्कोपिन करता हूँ तो भाई कोई बंदा नहीं है, देख रहे हो कोई बंदा नहीं है। या तो वो बंदा रेंज के बाहर होगा या फिर कुछ और होगा माजरा उसके साथ। और यहाँ पे नीचे गया मैं यहाँ पे, और गाइस वहाँ पे बंदा था, मैंने स्पॉट कर लिया उस बंदे को तुरंत ही, खोपड़ी दिखा रहा था भाई। देखो एक किल करके अभी भी मैं बैठा हूँ और देखो वहाँ खोपड़ी दिखा रहा है भाई बंदा। मतलब अब तक बंदे होते ना तो भाई इसके पास ना लूट नहीं थी अच्छी, वरना बंदे होते हैं भाई इतनी सी जितनी मेरी खोपड़ी दिख रही है ना अभी वहाँ से, उतना भी दिखे ना तो भी भाई फोड़ के चले जाते हैं यार, खोपड़ी तोड़ के चले जाते हैं गाइस। तो मैं वहाँ पे देख रहा था और वहाँ पे भी एक और बंदा था भाई, क्या ही बोलूँ यार। और भाई वहाँ पे भी एक और बंदा, क्या ही मतलब देख रहे हो कितने बंदे हैं भाई। मैं यहाँ पे वो चेक कर रहा था मतलब लैंडमाइन तो नहीं लगाया उसने, पर यार लगाया नहीं था उसने, देखो उसके पास अच्छी लूट ही नहीं थी। देखो मैं यहाँ पे बैठ के उस पर एम ले रहा था हेड पे, एक बार आया दूसरी बार आया वो भाई बंदा खड़ा हो गया, पर मैंने ड्रैग लगा के उसको हेड दे दिया। देखो इसके पास लूट ही नहीं थी, क्या ही बोलूँ, M10 और वो था उसके पास क्या कहते हैं M10 और UMP था, अगे क्या कहते हैं यार थॉमसन था यार। आप इसको देख के मीम बनाना शुरू हो जाएगा, थॉमसन को UMP बोलता है। यहाँ पे लैंडमाइन चेक की गाइस, चेक कर लिया करो यार, माना आजकल ज़्यादा बंदे लैंडमाइन नहीं लगाते हैं पर यार क्या पता कोई पुराना बंदा हो लैंडमाइन लगा के बैठा हो। और यहाँ पे दो गुलवाल, तो भाई इसके पास अच्छी लूट थी यार पर इस बंदे के पास नहीं थी या फिर उस बंदे ने लूट लिया होगा उसे क्या पता। और यहाँ पे किसी ने अभी यहाँ इसके पहले एयर ड्रॉप मंगाया, अभी मंगाया शायद, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मुझे लगा कि भाई बंदा जो है वहाँ पे अभी तक बैठा हुआ है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा चेक करने गया था, बस चेक करने ही गया था वहाँ पे भाई बंदा कहीं बैठा तो नहीं है वहाँ पे। और गाइस यहाँ पे मेरे को पड़ता है पटका, क्या कहते हैं यहाँ पे देखो अभी पड़ेगा मेरे को कार 98 का पटका। भाई कार 98 वाले ना बहुत मतलब बहुत दिक्कत देते हैं गाइस। देखो वो बंदा वहाँ से निकला, देखा मैं जैसे ही निकलूँगा ना बाहर वो मेरे को कार 98 चला देगा यार। मैं देख रहा था कि पीछे से कोई बंदा ना आ तो नहीं रहा, क्योंकि फुटस्टेप थोड़ा थोड़ा आ रहा था मेरे को,
किसी के भागने की, और बंदा जो है ऊपर बैठा था यार। तो मैंने कहा छोड़ो यार, निकलते हैं यहाँ से। फुटस्टेप्स तो आ रहे थे अभी भी थोड़ा थोड़ा, और मेरे को पीछे से देखो गाइस, पीछे से मारा किसी ने, ठीक है। इसको कितना डैमेज दिया यार, ग्लोवर लगा के भाग गया बंदा। और यहाँ देखो फिर से यहाँ पे एक और बंदा आ गया। देखा अभी मंगाया ना उसने सामान नया ड्रॉप, ये बंदा ना, ये बंदा यहाँ पे ऊपर बैठा था, और इसके ड्रॉप से भी मुझे फायदा हो गया गाइस, मुझे AWM मिल गया यहाँ से। मैं अभी गुलवाल फोड़ ही रहा था पर बंदा तो भाग गया था, तो मैं यहाँ से निकला, एरिया छोड़ा, फिर मैंने देखा उसका ड्रॉप तो ड्रॉप हो चुका है। तो यहाँ से मैं निकल ही रहा था, मेरे को कार 98 का फटका पड़ा, कार 98 का ही पड़ा था, क्योंकि कोई और ऐसा गन है नहीं जिससे मतलब इतना ज़्यादा डैमेज पड़ा है मेरे को। और गाइस अभी तक देखो यहाँ पे पड़ा ना कार 98 का, देखो यहाँ पे कार 98 है, इसी से मुझे पता चल गया कि भाई कार 98 चला रहा है बंदा, डबल कार 98, 72 का फटका उसको भी मैंने दे दिया। और मैंने देखा भाई ड्रॉप है, ड्रॉप लूट लेते हैं, और यहाँ पे मिला मेरे को AWM। भाई AWM या M82 भी मिल जाए ना तो मज़े आ जाते हैं। क्या ही हेड मारा भाई यहाँ पे, देख रहे हो बिना स्किन के भी हेड मार सकते हो भाई, बिना स्किन के भी हेड मार सकते हो, पर यहाँ स्किन के साथ ना इजी रहता है मारना हेड, हेड मारना इजी रहता है। उसको 150 का दिया जबकि उसने मेरे को 65 का मारा। हेड मारना बहुत इजी रहता है गाइस, बस स्किन होने चाहिए। मेरे पास स्किन इक्विप नहीं थे, फिर भी मतलब दिक्कतें होती है हेड मारने में, पर यार मार सकते हो तुम चाहो तो। और मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, मतलब रुको थोड़ी देर में, मतलब एंड होने से पहले मैं आपको दिखा दूंगा कि भाई मेरा एक्सपेंशन पूरा डाउनलोडेड है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक्सपेंशन डाउनलोड नहीं करके रखा है, अभी दिखा देता हूँ बल्कि बोलो तो। नहीं, सब कुछ डाउनलोडेड है मेरा, और ये जो आप देख रहे हो ना ये अभी का है, क्योंकि अभी अभी मैंने रिकॉर्ड ख़त्म करके वॉइस ओवर डाल रहा हूँ बस, ठीक है। तो यार अभी मैं बिना गन स्किन के खेल रहा हूँ, क्योंकि यार मुझे अच्छा लगता है यार गन स्किन के बिना खेलने में, पता नहीं क्यों पर अच्छा लगता है। देखो यहाँ पे मुझे एक बंदा दिखा, वो देखो वहाँ पे खड़ा है, उसके सामने एक और बंदा है गाइस, 150 150 खत्म बंदा। और वो बंदे को मतलब अलग ही नशे थे भाई, उस बंदे को मैंने लिटरली 174 के आसपास मारा, और वो बंदा भाई जोन के बाहर निकल गया। और यहाँ पे देखो मेरे साथ हुआ यहाँ पे स्कैम भाई, मेरे को 999 प्लस हो गया, और ये भाई मेरे को जोन के बाहर लेके निकल गया, जबकि मेरा नेटवर्क पूरा फुल है, 4G पे चल रहा है, जियो भी लगाया है मैंने यार, क्या ही बोलूं यार। वो तो अच्छा है कि मेरे पास 9 मेडिकेट्स पड़े थे, तो यार हेल्थ फुल कर दिया। और यहाँ पे है ना एक और बंदा चुपके बैठा था भाई पीछे टावर के पास, मेरे को भाई वो स्पॉट ही हुआ ही नहीं था वहाँ पे, वो बंदा जो है ना वहाँ पे स्पॉट हुआ ही नहीं था मेरे को। देखो मारा मेरे को, कितनी लेट लग रही है भाई, ग्लोअल खुद ही देख लो यार गौर से। मैंने तो भाई वो सैचुरेशन भी पूरा सही रखा है सब चीज़ों का, जिससे कि आपको पूरा परफेक्ट पता चले कि भाई मैं क्या क्या कर रहा हूँ इस गेम में। एक बैग तो यूज नहीं कर रहा हूँ मैं। तो यार बंदा था वहाँ पे, तो मैंने सोचा भाई आलोक चार्ज हो जाने दो, मैं आलोक लगा के भागूंगा उस पेड़ का कवर लेने परमानेंटली, ठीक है। तो भाई मैंने देखा कि वो बंदा भी नीचे आ गया,
वो बंदा भी नीचे भाग गया यार, और उस पेड़ के पीछे जाके छुप गया। और यहाँ पे मैं फिर से भागा जोन में जाने के लिए। जोन में जैसे ही जाता हूँ भाई, परांग लगाए, परांग की कोई इज्जत करो यार, फिर भी डैमेज दिए जा रहे हैं बंदे परांग लगने के बावजूद। और यार इस बंदे को है ना, इसने जिसने मैं जो अभी डैमेज दिया है उसकी मैंने बेइज्जती पेल दी। गेम के एंड में मैंने उसे पिस्तौल से मारा। ठीक से देखना गाइस, यहाँ पे मैंने उसको पिस्तौल से ख़त्म किया। हाँ वो अलग है कि मैंने उसको AWM से मारा, लेकिन इस्तेमाल तो मैंने पिस्तौल ही किया था एंड में। देख रहे, पिस्तौल से मार दिया मैंने उसे। वो बंदा भी सोच रहा होगा कि क्या भाई, इज्जत तो कर मेरी। कोई और गन से मारता तो भी चलता यार, पिस्तौल से, वो भी USP से। नीचे जो बंदा है वो जरा सा मिस हो गया मेरे से, इस वजह से भाई काफ़ी देर तक चला गया बंदा। करीब 1 मिनट तक उसने होल्ड करके रखा। वहाँ पे एम आया, जैसे ही फायर किया वो बंदा निकल गया वहाँ से। और मैंने फिर से नेड किया और उसने फिर से गुलवा लगा दिया। भाई क्या ही बंदा था रे। और गाइस उस बंदे के साथ मैंने स्कैम किया है। यहाँ पे देखना ठीक से, ठीक है, आगे देखो। यहाँ पे मैंने स्कैम क्या किया, उसके ऊपर है ना मैंने फ्लैश बैंक फेंक दिया, और फ्लैश बैंक की वजह से वो अंधा हो गया और जोन के बाहर निकल गया थोड़ा सा डैमेज खाते ही। और भाई यहाँ पे एक और दिक्कत ये हो रही थी कि भाई मेरा हो ना, वो ग्लोबल लगाते टाइम मेरा फायर बटन दब रहा था, मतलब फायर बटन से वो स्कोप खुल रहा था AWM का। देखा, फ्लैश बैंक फेंका और वो बंदा अंधा हो गया। ठीक है, अपने ही ग्लोबल पे डैमेज दिया जा रहा है बंदा। और देखो डैमेज खाया, जोन के बाहर निकल गया। देख रहे हो, जोन के बाहर निकल गया, एलिमिनेट हो गया बंदा। भाई मेरे को किल नहीं लेने दिया यार दुर्बंध ने, मतलब सामने आ जाते तो यार किल कर देता। एक बंदे ने तो डैमेज खा के जोन के बाहर निकल के मर गया, दूसरे बंदे ने भी वही किया यार, जोन के बाहर निकल गया। क्या ही बोलूँ,